इतने दिनों बाद इतना टेस्टी खाना मिला है, कितना मस्त लग रहा है। वीडियो बना रहे क्या? अरे वीडियो मत बनाओ ना, आदमी कह दे जीने पर तो एक नंबर के भूखा है, देखो तो कैसे खा रहे हैं। लेकिन यार सच बताओ, मिलिट्री में इतना सूखा रूखा घास फूस खा खा के मैं तो परेशान हो गया था। लेकिन यार इतना यम्मी टेस्टी खाना आज मुझे मिला है ना, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। हाँ भले मैं मोटा हो जाऊं लेकिन फिर भी मैं तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम ही रहूंगा। अरे आज मेरा कुकी ओले वाले मेरा जिमिना। अरे दूर रह मुझसे, शेर और बिल्ली कभी दोस्त नहीं हो सकते। दूर रह, मैं पंजे मार दूंगा तेरे को। हाँ ये देखो मेरा गला दबाए दे रहा है। अरे ये तो चिपकू आंदोलन है। अरे नहीं नहीं ये मुझे कोने में लगा के खा जाएगा। हाँ बचा लो मुझे कोई। ये देखो मैंने छुगा छे अपने ही जूते मंगवाए थे और वो देखो क्या लाया, इतना छोटू सा लाया है कि मेरी दो उंगलियां एडजस्ट ही नहीं हो पा रही है। मतलब मैं इतना छोटू भी नहीं हूँ जितना तुम लोग समझते हो मुझे। हाँ बाबू मुझे नींद आ रही। अरे रुको रुको मैं थोड़ा सा सही हो जाता हूँ, फिर मेरे कंधे पे सर रख के सो जाना ठीक है। हाँ अब आराम मिला। अरे भाई मेरे तो चक्कर आने लगे हैं, इन लोग का बाबू सोना धनिया पुदीना खत्म नहीं होता। रुक जा भाई मेरे को अपना हाथ दे दे, मैं तेरे हाथ पे सो जाता हूँ। रुको रुको मैं म्यूजिक निकालता हूँ अच्छी सी ठीक है, तब तुम लोग सो जा। हाँ जब सुगा सो रहा होता है तो मैं उसके रूम से एकदम स्लोली स्लोली बाहर जाता हूँ, क्योंकि अगर सुगा जग गया ना तो कहीं उठा के मेरे को पटक देगा ना तो मेरी खोपड़ी फूट जाएगी। तो इसलिए मैं आराम से ऐसे दरवाजा खोलता हूँ धीरे से और ऐसे मूव करके ना फिर स्लोली स्लोली अपने पैर उठाता हूँ, जैसे थोड़ी सी भी आवाज ना हो बिल्लू जग ना जाए। और फिर दरवाजे को पकड़ के ऐसे धीरे से बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी छोटी सी जान प्यारी है। तो मैं ऐसे खोलता हूँ, देखो देखो 2 साल बाद आर्मी के सामने खाना खाने जा रहा हूँ। सही से खाता हूँ तभी तो आर्मी कहेगी जिन ऊपर तो जेंटलमैन हो गए। अरे जेंटलमैन को मारो गोली। आर्मी के सामने खाना खा के पुरानी यादें ताजा हो गई, मजा आ गया यार। आज पूरा दिन आर्मी कैसे फोन चला के देखता हूँ। आर्मी पूरा दिन कैसे करती है भाई, मेरी तो हाँ कमर ही अकड़ गई। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ वरना मेरी मुंडी अकड़ जाएगी। थोड़े हाथ से लेते हैं, इतना फोन चलाती आर्मी, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लिया करो। अब ठीक है लेकिन थोड़ा और आराम से लेट के देखता हूँ फोन। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। अरे बाप रे ये कितने क्यूट है यार, कितना मस्त गाना गा रहे हैं। इनका डांस देख के तो मेरा मन कर रहा है मैं डांस करने लगूं, लेकिन मैं क्या करूं अभी मैं बहुत छोटी हूं। लेकिन कोई नहीं मैं तो BTS आर्मी हूं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं अपना बाइस किसको बनाऊं। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब तो अच्छे हैं। मैं किधर देखूं यार कितना मस्त मस्त डांस करते हैं। हाय जिमिन भी बढ़िया लग रहा है लेकिन मैं किधर देखूं। अरे यार कोई तो मुझे गोदी ले लो, एक बार मुझे खिला लो, बाबू बाबू कह के बुला लो प्लीज। अरे दादा ये तो दूसरों का भी अवार्ड ले ले यार, पीछे आओ बेटा अकेले मत घूमो, कोई किडनैप कर लेगा, बीच में रहो सबके। हाँ इधर आओ, अब ठीक है। कहाँ आगे जा रहे हो? पीछे आओ, मेरे से आगे नहीं जाना, जंग तुम बहुत शैतान हो गए। अबे मेरे छोटे बच्चे को मत मारो बेटा, ज्यादा नहीं खेलते, चलो घर पे नहाओ चल के, 2 दिन से नहाए नहीं हो। ट्विंकल ट्विंकल अब बेटा लाइन में लगो वरना खो जाओगे। हाँ घूमने करने जा रहे हैं, ज्यादा शैतानी मत करना, इसलिए बैग बांध लिए वरना तुम तो खरगोश के जैसे कूद कूद के पता नहीं कहाँ चले। हेलो आदमी स्वागत नहीं करोगे हमारा? यार मिलिट्री से डायरेक्ट मैं तुम्हारे घर ही आया हूँ, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ छुपी पड़ी हो, दिख ही नहीं रही। अरे बाहर तो निकलो, हेलो हाय बाय बाय करो तो कुछ। यार मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, कहीं तुम्हारे घर वाले मुझे चोर समझ के पिटाई न कर दे। यार मिलिट्री वाले ने मुझे फेस वॉश भी नहीं करने दिया, देखो मेरे चेहरे पे कुछ लगा है, क्यूटनेस है क्या? जंकुक छोड़ो मेरी साइकिल को, मैं चलाऊंगा। अच्छा ठीक है चलाओ तुम साइकिल, मैं जा रहा हूँ। हेलो बेब मैं हूँ शेवा शुगा, तो मुझे तो तुम जानती होगी, तो अपन से थोड़ा तुम दूर रहना ओके। मेरा कोई भोकाली नहीं है, बताया फिर भी छुई लगा दी बेचारा मौरत। अरे ये साइकिल बहुत बड़ी है, मेरा पैर नहीं पहुँचा। अरे गिर गया।
जाएगा वरना बैठ जाता हूँ फिर से। हाँ, मेरी फ्लेक्सिबल बॉडी है ये मुझे पता था, लेकिन मेरी उंगलियों के डांस स्टेप कितनी परफेक्ट है यार, अगले गाने में यही स्टेप करूंगा। हाँ अच्छे से मसाज करना मेरे फेस का, इतना ग्लो आना चाहिए ना कि मैं जहाँ भी जाऊँ तो सब टकटकी बांध के मुझे ही देखे, मतलब सब ताड़े मेरे को लाइन मारे। हाँ जीनू, ये मैंने तुम्हारे लिए बजाना सीखा है, बताओ कैसा है? बहुत अच्छा है यार, थैंक यू। मैं मिलिट्री से वापस आ रहा था, मेरी कार खराब हो गई, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? अरे बैटरी भी नहीं बची, जल्दी बात कर लेने आ रही हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तब तक मैं क्या करूँ, अपना जैकेट बीच रोड पे डाल के बैठ जाऊँ क्या? नहीं नहीं यार, तो गंदा हो जाएगा आर्मी रहने, कितने गंदू गंदू लग रहे हो। आर्मी का इंतजार करते करते कमर में दर्द हो गई, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे मैं और भी ज्यादा हैंडसम लगूँ। थैंक यू, ये लो। नहीं नहीं बेटा, तुम अपने पास रखो। हाँ वरना अभी तुम माइक दे दोगे हमें बोलने के लिए। ये लो। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा, तुम अपने पास रखो। हाँ ये लीजिए, मेरा छोटा बेटा बोलेगा जिनका, ये लो छुगा, ये लो खा के बताओ कैसे। अरे छिलका खिला दिया यार, ये खाओ। गंदा लग रहा है, नीचे गिर गया था ना इसलिए। अरे यार हाथ में केक लग गया, कैसे साफ करूँ? अच्छा अरे कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आज मैं सबको अपना फेवरेट ऑरेंज जूस पिलाने वाला हूँ, तो बताना कैसा लगा, मजा आ जाएगी। ये क्या है? अरे दादा मेरे तो दांत खट्टे हो गए। अरे यार बिल्लू कैसे पीते हो तुम? हाँ? क्यूटनेस उड़ा देता हूँ। ये ले, अभी थोड़ी सी बची है, ये ले, अब ठीक है। अबे तूने मेरे जीवन को कैसे मारा? अबे ऐसे मारा, अब तुझे बता। ये ले, अच्छा मैं तेरे बाबू को मारूंगा, ये ले। आर्मी देखो, मैं तुम्हारे लिए छोटा छोटा फूल लेके आ रहा हूँ। मैं तो यहाँ से निकल ले आऊँ, मुझे स्कूटी से देर लगेगी ना, 3-4 दिन में पहुँच जाऊंगा। यार इतनी गर्मी हो रही है, मस्त ठंडी ठंडी सी फ्रूटी पीता हूँ तो थोड़ा पेट को आराम मिले। अरे यार इसको तो मैंने खोला ही नहीं, जल्दी से खोलता हूँ, पी लेता हूँ। अरे हमें भी देखिए, आज कराते हैं आपको सच का सामना। जानलेवा गर्मी होने के कारण मौसम नहीं बल्कि इंसान है। जी हाँ, वो अपनी हॉटनेस से पूरी दुनिया को पिघला रहा है, जिसके कारण गर्मी को कंट्रोल करने के लिए कल रात उस इंसान को अरेस्ट कर लिया गया। बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं भी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं भी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। अरे यार ये कैंडी बिल्कुल छिपकली की जैसे मेरे नाक पे चिपक गई है, छोटी ट्राई करता हूँ। अरे यार मैं तो कर ही लूंगा, बस धीरे धीरे स्लोली स्लोली मेरी जीप पे गिना, ओ मेरी लार निकल गई। अरे ये तो मेरे नाक पे रुक ही नहीं रही है। हाँ धीरे धीरे करता हूँ, जीप से उठा लूँ क्या? रुको मैं ही उठ जाता हूँ। मेरे मुंह से प्यार है। हाँ मिल गई। अच्छा अब मुझे पता चला है कि मैं कुर्सी से क्यों गिरता हूँ, मेरे लिए टूटी हुई कुर्सी रखी गई है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ। दादाजी मैंने तो अपने छोटे छोटे पैरों को कुर्सी बना ली, वाह। चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।
अरे मेरी उल्टी खोपड़ी में अभी भी नहीं घुस रहा कि ये बेबी मेरे बाबू के जैसा कैसे, कोई तो बताओ मुझे। हाय दादा, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ तो समझो बाबू। देखो दुनिया में एक शक्ल के सात इंसान होते हैं, जैसे कि इस टाइम मैं जैसा हूँ, लेकिन दूसरे अलग अलग एज के होते हैं। जैसे इस टाइम कोई इस एज में होगा, ठीक है, तो कोई बुढ़ा होगा, तो कोई बच्चा होगा। सॉरी गलत पिक्चर लगी, जैसे कोई बच्चा होगा। हाँ अब समझ में आया, सबके होते हैं ऐसे। अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आया है मुझे कि क्या मैटर है, मतलब मेरी भी शक्ल के साथ लोग होंगे ना। अरे कोई मिल जाए तो बताना मुझे, ओके। रुक जा, मैं दुनिया में सिंगल पीस हूँ, ना मेरे जैसा कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा, क्योंकि आई एम बहुत बहुत हैंडसम, यू नो। मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे जंतु छेतानी मत करो, मैं गिर जाऊंगा भी, छेतानी मत करो यार। अरे रे, अरे बताओ मैं गिर गया, अरे रे, अरे अब तो तू गया बेटा, अब तो तू गया, तू भी गिर, तू गिरा हुआ बंदा जमा नीचे बल्ली ये ले। हाँ ये कौन है, ये तो मेरे बाबू के जैसा लग रहा है। Oh no, ये कब हो गया, ये कब दुनिया में आ गया। अरे भाई इतनी शक्ल कैसे मिल गई, हैं? ये तो हंस भी वैसे ही रहा है। रुको रुको जरा पास से जाके देखता हूँ, असली इंसान है या फिर एडिटिंग कमाल है। अरे यार ये तो बिल्कुल मेरे बाबू के जैसा लग रहा है। कहाँ का बाबू, बाबू ने ताबू, मतलब ये सवेरा मेरे पीठ के पीछे अपनी फोटो कॉपी छापी जा रही है दुनिया में। इसको देख के मेरे दिल के हजार टुकड़े हो गए। जिमिन जाओ वी को बुलाओ। तुमने बुलाया, अरे हम चले आए। क्या हुआ बाबू, तेरी तो मार क्यों रहे हो मुझे, बताओ तो। ये बेबी तुम्हारे जैसा क्यों लग रहा है बताओ। कौन सा बेबी, बेबी में से भी मुझे नहीं पता, देखो जरा। ओले ओले कुची कुची कितना क्यूट है। हाय दादा ये तो क्यूट भी बोल रहा है। ये बेबी तुमको मेरे जैसा लग रहा है, मेरे जैसा है? कदर से वैसे लग तो मेरे जैसा रहा है। तुमने मुझे धोखा दिया ना, अगर ये तुम्हारा नहीं है तो ये तुम्हारे जैसा क्यों है। हाय दादा बाबू तुम मुझे एक मौका दो मेरी बेगुनाही साबित करने का, देखो इसके मूंछ है, मेरी तो मूंछ भी नहीं है। बाबू मैं तुम्हें एक फोटो दिखाऊं, देखो। वैसे तो बड़ा मैं सख्त लौंडा हूँ, पर यहाँ मैं पिघल गया। अब मैं सख्त नहीं करूँगा। दोपहर में थोड़ा सा सो क्या लिया, कि अब रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही है, क्या करूं? अच्छा हाँ बाबू के साथ में मस्त से इमेजिनेशन करता। नहीं 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 फिर तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आएगी, तो मैं क्या करूं? मैं जग रहा हूँ तो मैं आर्मी को भी जगाता हूँ, लाइव कर दूं क्या? लेकिन यार मैं तो मिलिट्री में हूँ, मैं लाइव नहीं कर सकता। अदरक और लहसुन का जूस पीना है मुझे, नक्शेबाजी में पी तो लिया, लेकिन सुबह जब मेरे पेट में आग लगेगी उसका क्या? Me, I want to be a dad. मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती? मेरे दिल ने कहा ड्रामेबाजी ना कर, तू दोपहर को सोता है। आज की ताजा खबर आपको सुनाते हैं। शेर ने खरगोश को सुनाया अपना जूता, शेर की ये बदतमीजी देख के बिल्ली को आया गुस्सा, और उसके बाद बिल्ली ने जो शेर के साथ किया ना, वो देखकर आपकी रूह आपके जिस्म के अंदर फड़फड़ा उठेगी। तो आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो। ये ले जूता से ना दिया, मजा आ गई, मजा आ गई। अच्छा अब मैं मजे लेता हूँ। गर्मी की छुट्टी क्या हुई, ये सब तो नवाब बन गए। दिन भर टीवी देखना होता है, दिन भर फोन में ही घुसे रहेंगे। ये तो लेटे लेटे फोन चल रहा है, ये तो दिन भर खाना ही खाता रहता है, और मैं दिन भर खाना बनाती रहूं, ये ठूसते रहे, कोई काम तो है नहीं इनको। मम्मी के उठने से पहले सारे बर्तन धो देता हूँ और मैं खाना बना देता हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलो जिमिन, वरना मम्मी की जुबान चलने लगी ना तो दिमाग का दही हो जाएगा। ये आइसक्रीम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसे तो मैं तुरंत सफा चट कर देता हूँ, लेकिन खुल नहीं रहा।
अरे यार थोड़ी सी हाथों में वीकनेस आ गई है ना, तो इसलिए खुल नहीं रहा, लेकिन कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा कहाँ खुल गया, मेरे को पहले हाजमोला खा लेता हूँ, मस्त लगता है मुझे। अरे यार खुल ही नहीं रहा, ये भी लगता दांतों में भी वीकनेस आ गई, मेरे दांत कमजोर हो गए लग रहा। कोई बात नहीं, कैसे से काम चला लेता हूँ। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे मत दीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, थैंक यू। आप भी मुझे शावर दे दो ना, मैं नहा लूंगा अपने हाथ से। कितना ठंडा ठंडा पानी है, कितना मस्त लग रहा है, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही थी। मुझे पकड़ा दो ना, पानी में नहा लूंगा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आएगा गाना चाहिए। देखो जरा ये जिमिन जंकुक लोग क्या कर रहे हैं, लगता है बहुत बिजी हैं आजकल। देखो तो, अरे वो देखो, ओए जिमिन ऊपर देख, ऊपर में ऊपर आ गया, तू भी आ जा, बड़ा मस्त लग रहा है यहाँ पे। लेकिन तू कैसे आएगा, तेरे तो पैर ही छोटे हैं। आज मैं इस वीडियो पे कोई भी फनी डबिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो ना मेरे इतने रिलेटेबल है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं सुबह इतनी देर से सोके उठती हूँ जब तक मेरे घर वाले फ्यूचर के मेरे चार चार ताने नहीं सुना देते, फिर भी मैं बेड पे बेशर्मों के जैसे बैठी रहती हूँ। फिर मुझे उठा के, जैसे अब सुगा को उठा के लेके जा रहे हैं ना, ऐसे खसका के लेके जाते हैं बाथरूम के सामने, मुझे लात मार के धक्का देते हैं कि जो ब्रश करके आओ। फिर जैसे क्रिमिनल लाश को ठिकाने लगाता है, ऐसे मुझे पहुंचाया जाता है कि बेटा चाय पी लो। घर वाले मुझसे एक ही काम 20 बार बोलते हैं, लेकिन मैं फ्रिज में जमी हुई आत्मा के जैसे एक ही जगह बैठी रहती हूँ। और फिर मेरे घर वाले मुझे ऐसे ही उठा के मेरे बेड पे फेंक देते हैं, और मैं कुंभकर्ण की जैसे सोने लगती हूँ। हाय दादा, अब तो मुझे आरएम पे भी नजर रखनी पड़ेगी, पहले तो बच्चे निकम्मे थे, अरे अब तो बाप भी निकम्मा हो गया। देखो तो कितनी ढेर सारी लड़कियों के साथ में घूम रहा है। आर्मी, मेरी प्यारी प्यारी स्वीट सी आर्मी, इंतजार कर रही है मेरा। डोंट वरी, मैं जल्दी आ रहा हूँ, फिर हम लोग ढेर सारी मस्ती करेंगे। डेमो दिखाऊं? हाय हाय होय होय, हाय हाय होय होय, हाय हाय होय होय, बतो बदी बतो बदी बतो बदी।